हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज मैं दोस्तों दायन जाने वाला हूँ। एक बहुत ही खास दोस्त को मिलने जा रहा हूँ दायन में। लड़का दोस्त है मेरा, कॉलेज फ्रेंड है। बहुत वैसे मैं बहुत दिन से घूमा नहीं हूँ, तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं थोड़ा घूमने जाऊँगा दायन में। तो सबसे पहले मैं कार को वॉश कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्रेश अप होके फिर दायन के लिए निकलूँगा। गाड़ी जो है बिल्कुल चकाचक हो गया, ये देखिए दोस्तों, पूरा हैंडसम हो गया, ये देखिए दोस्तों पूरा। पूरा चमक रहा है। अभी मुझे फ्रेश अप होना है, फ्रेश अप होने के बाद मैं दायन के लिए निकलूंगा। आज बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत दिन के बाद मैं दायन जा रहा हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं रेडी हो गया, यहाँ पे देख सकता है मैं पूरा फ्रेश हो गया हूँ। सो गाइस, अभी मैं दायन के लिए निकल गया हूँ। दायन जो है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ से डिस्टेंस जो है 70 किलोमीटर के आसपास में है। मुझे क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मुझे करीबन 2 घंटा लग सकता है। लगभग 1 साल हो गया होगा मैं दायन नहीं जा रहा हूँ। अभी तो कोई कोई बोल रहा है रास्ता बहुत ही बन गया बोल के। पहले बहुत ख़राब था रास्ता जो है। तो देखता हूँ आज कितना बजे पहुँच जाता हूँ, कितना टाइम लगता है दायन पहुँचने में मुझे। 5-6 किलोमीटर जाने के बाद मुझे हाईवे मिलेगा, नेशनल हाईवे, तब मज़ा आएगा। तो फाइनली पहुंच गया हूं मैं हाईवे पे। किलोमीटर आने के बाद अभी पहुंच गया हूं मैं नामसाई। अभी मेरा हाईवे यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि मैं जाऊंगा अभी लेफ्ट दायन की ओर, दायन के रास्ता की ओर। वैसे दायन का रास्ता भी बन रहा है, अंदर कंस्ट्रक्शन में है, 2-3 साल से बन रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए बहुत ही ख़राब है, टाइम लगता है। तो गाइस, अभी हम लोग दायन में पहुंचा है। ये देखिए दायन का नज़ारा। दायन, ये दायन टाउन है ना जी। ये देखिए दायन में आते पहुंचते ही मैं एक दोस्त को मिला हूँ। ये देखिए दोस्त पूरा हैंडसम है। देखिए दायन का नज़ारा, रास्ता खराब है लेकिन। ये दोस्त जो है धर्मपुर से है, मैं यहाँ पे आते ही इसको रास्ते में मिला था, तो इसको उठा के लेके आया हूँ। सो गाइस, पहुँच गया हूँ मैं दायन के एक बहुत ही फेमस जगह पे। यहाँ पे देखिए, ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ये बहुत ही फेमस है यहाँ पे दायन में। इस मोनेस्ट्री का नाम यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है सदा नारामा बनो बिहार।
सो गाइस, ये जो मेरे साथ में अभी जो दोस्त दिखाई दे रहा है, ये यही का है, दयन का है, दयन चार नंबर का है। एक्चुअली दोस्तों, मैं इसी दोस्त को मिलने आया था। हम लोग एक साथ में कॉलेज किया था, कॉलेज एक साथ में ख़त्म किया था, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हम लोग ग्रेजुएशन किया था। तो हो गया होगा, दो तीन साल तो हो गया होगा ना, हम लोग नहीं मिला। से भी ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसी दोस्त साथ में पढ़ाई किया था, तब से हम दोस्त बन गए। तो मैं इसी दोस्त को मिलने के लिए आया था इतना दूर से, क्योंकि अभी हो गया तीन साल से ज़्यादा हो गया। तो इस बार मतलब सोचा, ऐसे भी घर में बोरिंग हो गया था मैं, तो कहाँ पे जाऊँ, तो दोस्त को, ये दोस्त को मिलने आया था। थोड़ा सा इसके बारे में रिव्यू कर लेगा, ये बहुत ही जेन्यून बंदा है। हाँ, और कुछ हार्ड वर्क करेगा, वही बस। देखिए, ये चार नंबर का रास्ता है, दोस्त का घर जो है थोड़ा सा आगे में है। सो गाइस, अभी मैं दायन के चार नंबर ब्लॉक में हूँ। यहाँ पे देख सकता है, यहाँ पे देखिए सुंदर सुंदर पेदी पील, देखिए पूरा एवर ग्रीन है और चारों तरफ सुपारी का बगान है। देखिए कितना सुंदर जगह है। बस मेरा पास ड्रोन कैमरा होता तो मैं आप लोगों को अच्छा से दिखाता, ऊपर से बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता आप लोगों को, क्योंकि पूरा चारों तरफ हरियाली हरियाली ग्रीन करके दिखाई देना था, क्योंकि चारों तरफ जो है बागान लगाया हुआ है और बागान के बीच बीच में जो है घर, छोटा छोटा घर, बहुत ही प्यारा प्यारा। यहाँ पे देखिए पेदी पिल, यहाँ पे जो है धान लगाया गया है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। फाइनली हम लोग दोस्तों दिहिंग रिवर में पहुंच गया, थोड़ा दिहिंग रिवर का नज़ारा दिखाए जी। ये है दिहिंग का नज़ारा, अभी यहाँ पे हम लोग नहाने वाला है। ये हम लोग का पार्किंग का जगह, हम लोग पार्किंग करने वाला यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे नहाएंगे, ये देखिए दिहिंग रिवर, यहाँ पे बहुत सारा आया हुआ है नहाने के लिए, तो हम लोग भी यहीं पे नहाने वाले हैं। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गया है अंकल के घर पे, पूरा थक गया, आज बहुत ही एंजॉय किया, नहाया है, लेकिन पूरा रात हो गया है, वीडियो कर नहीं पाया। बाय, गुड नाइट दोस्तों।